नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मीडिया में खबरें आई थी कि पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहशीष गांगुली की पत्नी और उनकी मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की बात कही जा रही थी। खबरें तो यहां तक थी कि सौरव गांगुली ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। हालांकि इस पर सौरव गांगुली के परिवार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया था। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बड़े भाई और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी स्नेहशीष गांगुली ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। हालांकि पत्नी, सास ससुर और घर के काम करने वाले नौकर के कोरोना पॉजिटिव आने को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इससे पहले मीडिया में खबरें आई थी कि स्नेहशीष गांगुली की पत्नी और उनके सास ससुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो सभी बेहाला में गांगुली के पुश्तैनी घर के बजाय मोमिनपुर में रह रहे थे। मोमिनपुर घर में काम करने वाले नौकर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्नेहशीष की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। रणजी ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व कर चुके स्नेहशीष गांगुली ने कहा, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और रोज ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी बीमारी को लेकर मीडिया में जो बातें बताई जा रही हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। ऐसे समय में इस तरह की खबरों की उम्मीद नहीं है। इसके बाद ऐसी गलत और आधारहीन खबरों पर विराम लगना चाहिए जो सिर्फ सनसनी फैलाने का काम करती हैं। इससे पहले खबरों में बताया गया था कि स्नेहशीष की पत्नी और उनके सास ससुर ने सर्दी और बुखार की शिकायत की थी। सभी के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते नजर आ रहे थे। सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया, तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद पत्नी, सास ससुर और नौकर को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने बताया फिलहाल चारों मरीजों का स्वास्थ्य ठीक है, इनका फिर से कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।